स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में और मैं हूं आपके साथ जागृति। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा का चहुंमुखी विकास हो इसके लिए सीएम प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और एक एक कर सभी जिलों के विकास का सर्वांगीण प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हरियाणा को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए कई सारी परियोजनाएं तैयार कर घोषणाएं कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोनीपत जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। विकास की कड़ी में सीएम ने नाहरा गांव में राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि तालाबों को बचाने और उनके जीर्णोद्धार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की है। सीएम ने कहा कि पानी हमारी जमीन का रक्त है और बिना पानी की बंजर जमीन हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में नहीं देना चाहते। जमीन के खून को बचाने का संकल्प, अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ, मनोहर सरकार तालाबों को देगी नया रंग। हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सोनीपत जिला पहुंचे, जहां सीएम ने नाहरा गांव में राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गंगेश्वर सरोवर पर नारियल तोड़कर अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को बधाई दी और स्वयं भी यहां पर श्रमदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के 111 स्थानों पर आयोजित अमृत सरोवर मिशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि एक यज्ञ का कार्यक्रम है, कोई सभा नहीं है और न केवल ये कार्यक्रम आज नारा गांव में हो रहा है बल्कि हरियाणा के 110 अन्य स्थानों पर भी हो रहा है। तो ऐसे सभी स्थानों पर जुड़े हुए हमारे हरियाणा सरकार के और केंद्र सरकार के माननीय मंत्रीगण, वहां से जुड़े हुए सभी हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण यहां मंच पर विराजमान, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन के श्री देवेंद्र सिंह जी, ग्राम विकास के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अमित झा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री तीर्थ राणा जी, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमती कविता जैन जी और पार्टी के हमारे बहुत ही सीनियर प्रमुख कार्यकर्ता श्री देवेंद्र कौशिक जी, श्रीमती मीना नरवाल जी, श्री उमेश शर्मा जी, अशोक भारद्वाज जी, सुनील जी सरपंच, पूर्व सरपंच नाहरा, उपस्थित सभी 111 के 11 स्थानों पर नारा मिलाकर आज की इस कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, सबसे पहले जैसा बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई के उपलक्ष्य में आज मैं देश और दुनिया के सभी श्रमिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल ही जीवन है के मूल मंत्र को समझा और देश भर के तालाबों को बचाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने देश भर के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों को साफ करने और उनका जीर्णोद्धार करने की योजना पर काम करने के लिए कहा है। आज ये योजना उसी कड़ी का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिनमें से 4,000 में सिर्फ बरसाती पानी एकत्रित होता है, 6,000 तालाबों में पशुओं के लिए पानी भरा रहता है और 8,000 तालाबों में गंदा पानी भरा रहता है, उसे स्वच्छ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐतिहासिक तालाबों को तीर्थ स्थल मानकर जीर्णोद्धार होगा। अब विषय आया कि आखिर ये जो सरोवर हैं हमारे पवित्र सरोवर,
देश भर में बहुत तालाब हैं, प्रदेश में भी हमारे 18,000 तालाब हैं। इन 18,000 तालाबों में 4,000 तालाब तो ऐसे हैं जो केवल वर्षा में पानी आता है, आगे पीछे पानी नहीं आता है, एक 4-6 महीने के बाद वो सूख जाते हैं। तो ये 6,000 तालाब तो उसमें पानी कैसे बरसात के बाद पहुंचाया जाए ताकि साल भर भरे रहें, क्योंकि तालाब भरे रहेंगे तो तालाबों से हमारे किसान की, हमारे पशुपालकों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि पशुओं को भी हमको जो पानी की आवश्यकता होती है उस तालाब से पूरा करते हैं। तो किसान तालाब जो होता था उसके लिए एक प्रकार का एक ऐसा साधन होता था कि अपनी आजीविका पशुओं के माध्यम से वो करता था, उसमें काम आता था। लेकिन 8,000 तालाब ऐसे हैं जो हमारे साल भर भरे रहते हैं, उसमें पानी, गंदा पानी, अब चूंकि घरों के अंदर पानी जाने लग गया है, टूटियां हम खोल कर रखते हैं, उसके लिए भी निवेदन है कि टूटी अनावश्यक ना खोले। लेकिन पानी उपयोग के बाद जो सीवरेज का भी विषय है या पशुओं का जो मल मूत्र है, वो भी पानी, साफ सफाई का पानी है, वो पानी भी नालियों के माध्यम से तालाबों में आता है। तालाब पहले खुदाई होते थे हर साल, दुर्भाग्य से उन तालाबों की खुदाई बंद हो गई है। ये पारस्परिक श्रम करके लोग साझेदारी से, गांव के लोग साल में एक बार तालाब खोदा करते थे। मुझे याद, हम छोटे थे तो घर घर से एक आदमी को बुलाया जाता था कि तालाब की खुदाई होनी है। वो सूखा जब एरिया होता था उसमें महीना 2 महीने लगाकर बरसात से पहले खुदाई होती थी, दोबारा से पानी भरता था। जब खुदाई हो जाती है तो जमीन नीचे की और पोरस हो जाती है, अर्थात उसमें यानी सुराख की तरह पिलपिल पोली जमीन हो जाती है, जिसको नरम जमीन के माध्यम से वो जो पानी तालाब का जमीन के अंदर जाता था। आज जो गंदगी भर जाती है तालाब की तलहटी, उसको साफ ना करने के कारण से चिकनी मिट्टी हो जाती है। चिकनी मिट्टी के बाद वो पानी जमीन में जाता नहीं है, फिर बरसात में दोबारा से पानी आता है, इधर गांव का पानी इकट्ठा होता है और पानी गंदा होकर के ओवरफ्लो हो जाता है, गंदगी फैलती है। उस ओवरफ्लो पानी का कोई उपयोग नहीं होता है। डिमांड आती है जगह जगह से कि अब कोई ड्रेन बनाओ, यहां से ड्रेन से इस पानी को बाहर निकालो। जहां खेतों में पानी भर जाता है, खेतों की यही हालत है, पहले जमीन पोरस होती थी, उसके नाते से जमीन में पानी रिसता था। अब जब से केमिकल खाद डालने लग गए हैं, हम यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटाश, तरह तरह की दवाइयां, ये डालने के बाद जमीन खेती की वो भी एक प्रकार से उसका प्रकार बदल गया है, और वो जमीन पोरस नहीं रही है, पानी नीचे नहीं जाता है। थोड़ी बरसात होने के बाद भी कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, मांग उठती है इस पानी को बाहर निकालो, नहीं तो खेती, जमीन, फसल नहीं होगी। इन सब चीजों पर एक एक करके हम ध्यान दे रहे हैं। आज जो विषय को लेकर के आज प्रदेश भर में अभियान चला है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के तालाबों को इसको ठीक करो, योजना चलाई, अमृत सरोवर योजना। अमृत सरोवर योजना में देश के 50,000 तालाब, इनको हमको ठीक करना है। हरियाणा को विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रयासरत हैं, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर सोनीपत जिले में राज्य स्तरीय अमृत सरोवर मिशन का शुभारंभ किया। सरोवर मिशन कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि एक एक करके तालाबों और सरोवरों की दशा सुधारने की बात कही है। प्रदेश में 18,000 तालाब हैं जिसे जल्द स्वच्छ किया जाएगा, और 15 अगस्त 2022 तक हरियाणा के 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेशवासियों और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमृत सरोवर मिशन के तहत सबसे पहले 15 अगस्त 2022 तक हरियाणा के 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया। इनमें से 1600 तालाबों पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके बाद एक एक कर पूरे प्रदेश में बचे हुए सभी तालाबों की दशा सुधारी जाएगी। इसके अंतर्गत तालाबों की खुदाई, रिटर्निंग वॉल और सौंदर्यकरण करके आसपास के स्थल को भ्रमण योग्य बनाया जाएगा। हरियाणा के 8,000 तालाब, इनको हमने ठीक करना है। हर जिले में टारगेट तय किया गया कि इस पहले चरण में 15 अगस्त तक हम हर जिले के 75 तालाब, अर्थात हरियाणा के 1600 तालाब, ये हम 15 अगस्त तक इस पर काम चालू कर देंगे। तालाब की खुदाई करना, तालाब की स्पोर्ट वॉल बनाना, बड़े तालाब जहां हैं उसके चारों तरफ उसका कोई पौधे लगाकर
फूल पत्ती लगाकर वहां उसको एक मार्ग बना के लोगों के लिए भ्रमण के ऐसे स्थान बनाना, उसका सौंदर्य बढ़ाना, अर्थात जो तालाब अभी तक गंदे पड़े हैं उन तालाबों को लोगों के भ्रमण के लिए आने जाने के लिए कैसे ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन का गठन किया गया और इसके लिए सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए के बजट का अलग से प्रावधान किया है। सीएम ने कहा कि जल ही जीवन है और पानी की एक एक बूंद को बचाकर ही उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी भवनों में रिचार्जिंग वेल लगाए जाएंगे ताकि बरसाती पानी का संरक्षण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने किसानों से भी बरसाती पानी को संरक्षित करने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि पिछले वर्ष 750 रिचार्जिंग बोरवेल लगाए गए थे, लेकिन इस वर्ष लगभग 5,000 रिचार्जिंग बोरवेल लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। जरूर ध्यान करें कि हम आगे चल करके ऐसा ना हो आने वाली पीढ़ी वो हमको गालियां दे, वो हमको ये कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने इतना ध्यान भी रखा कि हमको विरासत में जहां जमीन दे गए वहां पानी तो दे जाते, तो इस पानी के संकट की हमारी अगली पीढ़ियां वो इसको न ध्यान करें तो एक एक बूंद पानी को बचाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर बूंद इसका उपयोग करो, हर बूंद का उपयोग चाहे घर में इकट्ठा करो चाहे रिचार्ज करके जमीन में डालो। हमने निर्देश दिए कि सरकारी भवन जितने भी हरियाणा के अंदर उन सब के अंदर वहां रिचार्जिंग वेल बनेंगे जो बरसात का पानी है बाहर नहीं जाना चाहिए बल्कि जमीन के अंदर छोड़ो, जमीन में साफ होकर के नीचे के तल में पहुंच जाएगा रिचार्जिंग ऑफ वाटर। किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो, अब हमको बताओ हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। पिछले साल हमने 750 ट्यूबवेल लगाए हैं नए और इस बार घोषणा की है कि आने वाले 2 वर्षों में 5,000 नए रिचार्जिंग ट्यूबवेल हम लगाएंगे, 5,000 ट्यूबवेल लगाएंगे, यानी बोरवेल जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल नहीं बोरवेल, पानी अपने आप नीचे। सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर कार्यक्रम में कहा कि जल ही जीवन है, बिना पानी के जीवन असंभव है, इसके लिए प्रदेश के तालाबों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिसमें से 15 अगस्त 2022 तक 8,000 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही तालाबों की खुदाई, रिटर्निंग वॉल और सौंदर्यकरण करके आसपास के स्थल को भ्रमण योग्य बनाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी भवनों में रिचार्जिंग वेल लगाए जाएंगे ताकि बरसाती के पानी का संरक्षण किया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उद्योगों और सीवरेज से निकलने वाले गंदे पानी को एसटीपी के माध्यम से रिसाइकलिंग करके उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस पानी को पुनः उद्योगों, निर्माण कार्यों, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से बागवानी और खेती के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इस पानी के उपयोग का मुख्य कारण है इस पानी में खाद के अवयव होते हैं जो सब्जी, फल, फूल और खेती के लिए बेहद लाभदायक है। इस रिसाइकलिंग पानी को घरों तक पहुंचाने के लिए HSVP को डबल लाइन बिछाने के लिए भी कहा गया। सीएम ने सुझाव देते हुए कहा कि इस पानी का इस्तेमाल घरों में गाड़ी धोने, शौचालय और बागवानी आदि के लिए किया जाएगा। बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। जो पानी हम स्वच्छ कर रहे हैं, एसटीपी लगा रहे हैं, उसके लिए भी देवेंद्र सिंह जी यहां बैठे हैं, इनको हमने कहा है कि उस पानी का उपयोग या तो इंडस्ट्री के लिए यूज करें, इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए, नहीं तो बागवानी शहरों के अंदर जो होती है पार्क होते हैं उसमें उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो उस पानी का उपयोग हम खेती के लिए करें। हर तालाब के आसपास, हर एसटीपी के आसपास हम उसका एक कमांड एरिया बनाएं, उस कमांड एरिया में माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट लगाएं ताकि वो उस पानी की क्वालिटी भी अच्छी होती है फसल के लिए, सब्जियों के लिए, कि उस पानी में स्वाभाविक खाद भी होता है, उस पानी की गंदगी की मात्रा को कम करना, लेकिन खाद का जो उसके अंदर अवयव होता है उसको बनाए रखना, उस पानी से फसल, सब्जियां, फूल, फूल की खेती वो ज्यादा होती है तुलना के बारे में। तो इसलिए इस पानी का उपयोग चाहे हम किसान की खेती में करें, चाहे हम साफ सफाई के काम में करें, घरों में भी कुछ
शहरों में हमारे जो सेक्टर्स है हुड्डा के एचएसवीपी के, उनको हमने कहा कि आप वहां उस इलाके में डबल लाइन बिछा दो। एक लाइन नहरी पानी जो पीने का आता है उसको साफ वाटर वर्क्स में करना और पीने के पानी के लाइन, एक पानी पीने के अलावा घर में और जो अन्य उपयोग होते हैं साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, शौचालय के लिए, फ्लश के लिए, बागवानी के लिए, गाड़ी धोनी है उसके लिए, तो इस पानी का उपयोग करो ताकि उसका भी सदुपयोग हो जाए पानी का। इस नाते से बहुत से हमने कार्यक्रम बनाए हैं। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने अपनी तैयार की गई परियोजनाओं की सूची में नाहरा गांव के लिए भी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। सीएम मनोहर लाल ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत गंगेश्वर तालाब पर 82 लाख रुपए खर्च करने की घोषणा की है। यहाँ एक बात और भी मैं कहूंगा, बहुत तालाब ऐसे हैं जो ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े हुए हैं, उनको तीर्थ माना हमने, उनको केवल पानी का तालाब ऐसा नहीं है बल्कि उनको तीर्थों की तरह से हम पूजते भी रहे हैं। मुझे खुशी है आपको, आप तो जानकारी है ही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी मिले कि यहाँ का जो नहरा का तालाब है, ये तालाब नहर सिंह नामक व्यक्ति ने आज से और 900 साल पहले सन 1309 ईस्वी में उस व्यक्ति ने यहाँ तप किया था और उस तप के कारण से इस तालाब का निर्माण हुआ। चारों तरफ धाम बने हुए हैं, इस तालाब को गंगेश्वर सरोवर ये हमने कहा है, गंगेश्वर सरोवर। और इस गंगेश्वर सरोवर का पानी इतना स्वच्छ था, निर्मल था कि आसपास के बताते हैं 24 गांव ऐसे हैं जो इस पानी को यहां से ले जाकर के उसमें खाना बनाते थे। आज इस सरोवर को अगर हम देखते हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि इसके पानी से खाना बनाया जा सकता है? कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो तालाब प्रदूषित इतना हो गया है। इस प्रदूषण के कारण से इनको ठीक करने का बीड़ा ये देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। एक प्रकार से मैं प्रधानमंत्री के बारे में अगर ये कहूं कि एक समय ऐसा था जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए और भगीरथ ने जो प्रयास किए गंगा को पृथ्वी पर ला करके, जीवन दायिनी गंगा आज हमारे जीवन का आधार है। इसी प्रकार से आप उनको किसी भी श्रेणी में रखें, लेकिन इस जल को स्वच्छ करने के लिए जितनी योजनाएं बनाई है पिछले 7 साल में, जल ही जीवन है, हर नल से घर, हर घर को नल से जल की जो योजना बताई है, जल को स्वच्छता के नाते से, स्वच्छता अभियान के नाते से इतना बजट खर्च किया है कि इस पानी को किस तरीके से बचा लो। मैं इनको एक दूसरे भागीरथ की संज्ञा देता हूँ, नरेंद्र मोदी हमारे आज के भागीरथ। सीएम मनोहर लाल ने गांव प्रशासन को परियोजनाओं की सूची से अवगत कराते हुए गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। नहरा गांव का सुचारू रूप से विकास हो, इसके लिए गांव में स्थित चारों तालाबों का सुधारीकरण करने हेतु खेतों के रास्ते पक्का करने के लिए 70 लाख रुपए की मंजूरी दी है। गांव में अस्थल बोहर मंदिर की गली के निर्माण के लिए भी निर्देश दिए हैं। साथ ही गांव के 1 एकड़ में बने कम्युनिटी सेंटर के लिए 1.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। साथ ही 3 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण हो और गांव में एक ओपन जिम बने, इसकी भी मंजूरी पर अपनी मंशा साफ कर दी है। गांव के युवा पढ़ाई में बेहतर बने, इसके लिए गांव में बनी लाइब्रेरी में किताबों की व्यवस्था करने की भी बात कही। गांव में जो 5 चौपाल है उनकी मरम्मत की भी मंजूरी दी गई। साथ ही राजकीय कन्या वरिष्ठ विद्यालय के भवन की फिजिबिलिटी जांच कर आवश्यकता अनुसार मरम्मत कर नया भवन बनाने की मंजूरी और जलघर में पाइपलाइन डालने की मंजूरी दी है। गांव के लोगों ने इसके अलावा भी कुछ और डिमांड रखी हैं। हालांकि जिले भर की डिमांड्स तो हम जब कोई जिले की रैली करेंगे उसमें बताएंगे, लेकिन जिस गांव में मैं आया हूं मेरा फर्ज बनता, दायित्व बनता है कि वहां के कुछ कामों की घोषणा मैं ये अवश्य करके जाऊं। तो उस नाते से यहां गांव के लोगों ने भी खेतों के रास्ते जिनको पक्का करवाना है, ऐसे जिन रास्तों को चिन्हित करके भेजा जाएगा उन रास्तों को पक्का कराया जाएगा। और इस पर कोई बहुत बड़ी राशि नहीं लिखी है कि केवल 70 लाख रुपए की आवश्यकता है, वो हम मंजूर करते हैं। अस्थल बोर वाली मंदिर की गली का निर्माण ये ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा। ग्राम पंचायत को हम हर साल
अब शुरू में अप्रैल में ही बजट भेज देते हैं तो वहां का जो बजट आया है वो सारे जो छोटे काम है उस प्रकार से ये सब किया जाएगा। पशु अस्पताल के पास कम्युनिटी सेंटर, एक एकड़ के अंदर एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा, 1.5 करोड़ रुपया इसका खर्च आएगा, इसको भी मंजूर किया जाता है। पार्क का निर्माण, एक कोई बताया पशु अस्पताल से आगे रोड के साथ साथ 3 एकड़ में पार्क का निर्माण, ये पार्क के निर्माण के लिए ड्राइंग बन गई है, उसको अप्रूव करा दिया है। न केवल पार्क बनेगा, उस पार्क में ओपन जिम और झूले ये भी लगाए जाएंगे ताकि गांव के बच्चे, नौजवान, लड़के, लड़कियां, महिलाएं सब आ करके और उस नाते से और इन झूलों का, जिम का ये अपना उपयोग कर सके। गांव में लाइब्रेरी की बात है, उसकी बिल्डिंग तैयार है और डेवलपमेंट पंचायत विभाग इस लाइब्रेरी को भी पूरा कराएगा। और इसके अलावा चौपाल, सतवीर पुत्र मांगेराम के मकान के पास जो टूटी हुई चौपाल है और अन्य 4 चौपालें, इन 5ों चौपालों का मरम्मत का काम ये भी पूरा कराया जाएगा। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जहां पुरानी बिल्डिंग है, हालत अच्छी नहीं है, उसकी मरम्मत या अगर आवश्यकता लगेगी तो नई इमारत जैसी भी यहां बताई जाएगी, उसके निरीक्षण करके, उसकी फिजिबिलिटी चेक करके और हमारे सीओ जिला परिषद, डायरेक्टर पंचायत डेवलपमेंट, ये उनको भी पूरे काम को कराएंगे। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। मनोहर सरकार ने हरियाणा के सभी जिलों को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने जल ही जीवन है इस कड़ी को अहम समझते हुए प्रदेश में तालाबों पर कार्य शुरू किया है। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए तालाबों और सरोवरों के जल को संरक्षित कर उसके साफ सफाई और सौंदर्यकरण पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे तालाबों और सरोवरों को भ्रमण योग्य बनाया जा सके। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।